सुधीर जी नमस्कार। फाइन प्रोफेसर फाइन। जैन साहब, माँ भारती की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। राइस थैंक और यू। आपका भी साधुवाद, आप सपोर्ट के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। प्रोफेसर जैन साहब, आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस बच्चे की हम आज हॉरोस्कोप आपके माध्यम से एनालाइज करना चाहते हैं एक ट्यूटोरियल की तरह से, ताकि एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी फायदा हो और उस बच्ची के माँ बाप को भी लाभ मिले और बच्ची को भी लाभ मिले। सर, ये जो मैंने जिस बच्ची के डिटेल्स आपको दिए हैं, उसकी उम्र मात्र 4 साल है अभी, टॉन्सल्स की समस्या लगभग बर्थ से है, राहु दशा में वो पैदा हुई थी और मून राहु का कंजंक्शन है और संभवतः छठे घर में मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैं। तो सर, ये जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज, बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पैदाइश के बाद से जल्दी ही अगर कुछ समस्याओं का पता लगता है तो उनको एज ए चैलेंज की तरह से लिया जा सकता है। रेमेडी जो आप बताते हैं बहुत ही सरल होती हैं, तो उनको जो भी हर्डल्स आने हैं भविष्य में, उनको कॉन्कर भी किया जा सकता है। और अगर कुछ गलत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो और भी कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस बच्ची के जो टॉन्सिल्स की समस्या है या किसी और वजह से उसकी शादी वगैरह में क्या कोई व्यवधान आ सकता है, इसके बारे में भी प्रश्न जातक ने पूछा है। तो सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम बच्चों का हॉरोस्कोप शुरू से एग्जामिन करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्योतिष कहता भी यही है कि आपको जन्म के समय पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब हम कहते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि मतलब क्या अच्छाइयां हैं, क्या खराबियां हैं। तो अगर जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस हॉरोस्कोप में, तो अगर हम शुरू से ही कुछ बहुत साधारण रेमेडीज करके, उपाय करके, हम देखेंगे काफी हद तक उसको काबू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे का हॉरोस्कोप मिला है एग्जामिन करने के लिए, तो उसको हम एग्जामिन करेंगे डिटेल में। बट उससे पहले शायद हम लोगों ने 11 जून को एक हॉरोस्कोप डिस्कस किया था, हमारे जो दर्शक हैं उन्हीं का है शायद, 20/12, 89 89 का बर्थ था, 6/12 आगरा, और हम लोगों ने उनको कुछ रेमेडीज सजेस्ट की थी जुपिटर और मून की। तो उन्होंने शायद लिखा है कि जुपिटर और मून तो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हैं, उनका हम दान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नियम है डिसाइड करने के लिए कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है, मैलिफिक तो है, वो तो नॉर्मल केसेस हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअल हॉर्स को भी देखना पड़ता है कि उनके प्लैनेट की क्या पोजीशन है। और जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ फलदायक नहीं है, एक तो नियम अप्लाई होते हैं और इसके बाद जो प्लैनेट की पोजीशन होती है और स्कोप में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जुपिटर और मून अगर हम नियम से देखें तो बिल्कुल फंक्शनल बेनिफिक हैं, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें कि मून में हमने कहा था केमद्रुम योग है, और जब केमद्रुम योग होता है तो योग प्रिवेल करेगा, ना कि नॉर्मल प्लैनेट की पोजीशन। तो नेचुरली मून बहुत वीक हो जाता है उस केस में, और उसको हम फंक्शनल बेनिफिक नहीं कह सकते, फंक्शनल मैलिफिक ही होगा अगर मून केमद्रुम योग में है। और दूसरा, जुपिटर के बारे में भी जो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे उसमें भी नहीं आता, क्योंकि जुपिटर का जो मूल त्रिकोण राशि है वो त्रिखा उसमें है, बट अलग से भी जुपिटर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, कई सारे मैलिफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, और जब कोई भी प्लैनेट मैलिफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड होता है तो नेचुरली फिर वो हम फंक्शनल बेनिफिट नहीं होते। तो इसीलिए मैंने उनका दान भी कहा था कि दान भी कर सकते हैं और इसमें कोई भी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है। आज आज का हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं बच्चे का, जिनका 9 जनवरी 2020 बर्थ है, शाम को 6:31 पर बर्थ हुआ है और जन्म स्थान मेरठ है। और ये लिखते हैं कि राहु की दशा में जन्म हुआ है, शुरू से ही टॉन्सिल की समस्या है, पढ़ने में होशियार है क्योंकि एडमिशन उसका बहुत अच्छे स्कूल में हो गया है,
और इनकी जो समस्या है, या इन्होंने जो बताया है कि ज्यादातर ग्रह छठे भाव में है तथा मून राहु की युति भी है। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम शुरू से क्या रेमेडी करें कि अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका हम किसी तरह से समाधान कर पाए। और एक और कहा है कि जो अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम अगर आनी है तो मैरिज के लिए भी क्या हम कोई उपाय कर सकते हैं। तो ये इनके प्रश्न है, तो लेट अस सी, हम लोग डिटेल में एग्जामिन करते हैं और उसको और देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। ये हॉरोस्कोप है ना, 9 जनवरी 2020 है, 1831 और मेरठ में जो है। तो ये इनका लग्न चार्ट बनता है और ये आप देख रहे हैं नवांश चार्ट है। और इन्होंने ठीक लिखा है कि राहु की दशा में ही जन्म हुआ है और राहु की दशा जो है वो चल रही है, और राहु की दशा में भी राहु शनि का पीरियड चल रहा है, और राहु की दशा जो है वो 20 अक्टूबर 2035 तक चलेगी। और राहु के बाद जो दशा आती है, जुपिटर आती है, फिर सैटर्न आता है, फिर मरकरी दशा आती है। तो इस तरह से अभी जो दशा ऑपरेट हो रही है राहु की, लंबे टाइम तक है अभी, तो आप मान लीजिए कि 11 साल के करीब और दशा ऑपरेट होनी है ये। तो ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट में हम एग्जामिन करने का तरीका यही है कि पहले हम लोग देखते हैं क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट है और स्कोप के और क्या नेगेटिव आस्पेक्ट है, और फिर हम देखेंगे कि पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। तो पहले हम लोग इस लग्न चार्ट के कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट जो भी हैं, लेट अस सी दोस पॉजिटिव आस्पेक्ट। पहली चीज तो यह है कि सन और मरकरी की युति है, सूर्य और बुध की, और सूर्य की जो डिग्री है 24 डिग्री है और जो मरकरी की डिग्री है 23 है। तो सिर्फ 1 डिग्री का अंतर है सूर्य और बुध में, और नॉर्मली जब सूर्य और बुध की युति होती है तो हम उसको बुध आदित्य योग कहते हैं। और बुध आदित्य योग में जो नेटिव है, ही बिकम्स मोर, ही और शी बिकम्स मोर इंटेलिजेंट बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन। बट जब मून, सॉरी, सन और जुपिटर बहुत पास पास होते हैं या विद इन 5 डिग्री होते हैं तो हम उसको फिर बुध आदित्य योग नहीं कहते, उसको हम निपुण योग कहते हैं। और निपुण योग में और बुध आदित्य योग में यही अंतर है कि जो बुध आदित्य योग के व्यक्ति होते हैं ओवरऑल इंटेलिजेंट होते हैं, बट निपुण योग में यू हैव एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ओनली। यू मे नॉट बी एन ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ एक विशेष बात होगी, कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी या किसी भी चीज में आप माहिर होंगे जो आपको दूसरों से अलग करेगा जो है। तो ये हम यहाँ पर इसको निपुण योग कहेंगे क्योंकि सन और मरकरी जो है बिल्कुल पास पास में है। दूसरा, जब जुपिटर और मून एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, तो यहाँ देखिए कि मून और जुपिटर की जो पोजिशन है 7:7 है, मतलब एक दूसरे से केंद्र में, तो इसको हम गज केसरी योग कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। और गज केसरी योग में हम देखते हैं कि इट बेसिकली रिलेट्स टू द प्रोस्पेरिटी इन द वंस लाइफ, सुख समृद्धि आपकी लाइफ में इस योग से बनती है, इसको हम गज केसरी योग के नाम से जानते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा लग्न जो है, लग्न इज योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटी, योर हेल्थ, कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में जो है। और जब तक लग्न वेल प्लेस नहीं होता हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, बट अगर लग्न आपका बहुत स्ट्रांग है तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए हम उनको सामना कर सकते हैं, उससे पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लग्न की पोजिशन देखें तो लग्न के साथ तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। वीनस सेकेंड हाउस को देख रहा है और जुपिटर और मर्करी 12th हाउस को देख रहे हैं। तो तीनों जब शुभ ग्रह का एसोसिएशन होता है तो उसको हम लग्नादि योग कहते हैं। इट मेक्स द लग्न वेरी स्ट्रांग, बट कुछ नेगेटिव भी है क्योंकि बेनिफिक के साथ साथ मैलिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है, क्योंकि सन है, सैटर्न है, राहु है, ये तीन मैलिफिक भी हैं। और दूसरा ये है कि जो लग्न का लॉर्ड है वो 12th हाउस में है, तो वो भी एक नेगेटिव होता है। तो लग्न को अगर हम ओवरऑल देखें तो मैं ये नहीं कहूंगा खराब है, बट अगर हम परसेंटेज में अगर आंकें इसको तो मैं कह सकता हूँ कि 60-65% जो है लग्न स्ट्रांग है, मतलब लग्न इज वेल प्लेस्ड। तो जो बच्चा है वो कैपेबल रहेगा या जो भी प्रॉब्लम आएंगी लाइफ में उनका वो सामना कर पाएगा। दूसरा, यहाँ पर मंगल है, ये मार्स इसको हम बोलते हैं। मंगल जो है आप देख रहे हैं कि त्रिकोण स्थान में प्लेस्ड है,
और ये जो लॉर्ड है केंद्र स्थान का भी है और त्रिकोण स्थान का भी है। तो जब कोई भी प्लानिट केंद्र और त्रिकोण स्थान का लॉर्ड होता है तो उसको हम योग कारक प्लानिट कहते हैं। तो मंगल अपनी राशि में, तो मंगल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लानिट। इस हॉरोस्कोप का जो मेन प्लानिट है वो मंगल ही है, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिट है और इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। और मर्करी क्या है, मार्स क्या है? मार्स आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपकी हेल्थ को ठीक रखता है, आप एडवेंचरस होते हो, आपके अंदर इनिशिएटिव बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल एक बहुत एक पॉजिटिव प्लानिट है, बहुत हेल्पिंग प्लानिट है, जिससे जैसे मैंने कहा ना कि लग्न की वजह से भी आप एक मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। तो मंगल भी उसी चीज में सहायक होता है कि मंगल इतना स्ट्रांग होने की वजह से इस बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आएगी तो उसको वो फेस कर पाएगा, और उसके अंदर एनर्जी भी होगी, कॉन्फिडेंस भी होगा, इनिशिएटिव भी होगा, और बच्चा एडवेंचरस भी होगा मंगल की वजह से जो है। फिर और देखें कि मंगल, हमने देखा मंगल बहुत स्ट्रांग है। और थोड़ा सा अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें इस हॉरोस्कोप में, नेगेटिव पॉइंट में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हमने कहा कि मून और राहु की युति है, तो मून की अगर हम डिग्री देखें तो 8 डिग्री है, 8 है, और राहु 14 है, मतलब 6 डिग्री का अंतर है, पास पास है। तो मून इज एफ्लिक्टेड विद द राहु, एंड राहु क्या करता है, राहु क्रिएट्स कंफ्यूजन जहां भी होता है, तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड, इट मेक्स द पर्सन इनडिसिसिव। तो वो ये युक्ति का जो रिजल्ट होते हैं वो। बट सबसे भी बड़ी बात क्या है कि मून यहाँ पर अकेला है, इसके इधर उधर कोई प्लानिट नहीं है, और जैसे हम लोगों ने 11 तारीख को भी एग्जामिन किया था एग्जैक्टली वही पोजिशन यहाँ भी है कि ये भी एक केमद्रुम योग है यहाँ पर। और केमद्रुम योग की जो कंडीशंस होती है नलिफाई करने की, ना तो मून जुपिटर के नक्षत्र में है, ना ही मून बहुत स्ट्रांग है, ना ही मून और वीनस केंद्र में प्लेस्ड है, ना ही नवांश साइड में मून इंटीमेट प्रेजेंट की राशि में है, तो ये नलिफिकेशन नहीं हो रहा है इसका केंद्र योग का। तो ये बहुत एक नेगेटिव योग, मैं कहूंगा कि सबसे जो नेगेटिव योग इस हॉरोस्कोप में केंद्र योग ऑलरेडी राहु के साथ है, और बाकी प्लैनेट से भी मून जो है वो एफ्लिक्टेड है। दूसरा एक प्लैनेट शनि होता है सैटर्न, जो हमें लाइफ में स्टेटस देता है, हमारी जो हमारे मतलब हार्ड वर्किंग बनाता है, स्टेटस देता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो अगर हम शनि की डिग्री देखें और सन की डिग्री देखें, तो सन तो 24 है और सैटर्न 28 है, 4 डिग्री का अंतर है। तो हम कहेंगे कि शनि भी जो है डीप कम्बस्ट है, तो बुध तो था ही कम्बस्ट मरकरी, बट उसके साथ साथ जो है वो शनि भी हम कहेंगे पूरा कम्बस्ट है। तो शनि कंबस्ट होना भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इस हॉरोस्कोप का, बट थोड़ा सा पॉजिटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि अगर हम इस नवांश चार्ट को देखें तो शनि यहाँ पर सेग्टेरियस साइन में है, 9 नंबर राशि में है, और नवांश चार्ट में भी शनि 9 नंबर राशि में, तो ये नवांश चार्ट में वर्गोत्तम हो जाता है, जिसका वर्गोत्तम होते हैं, और नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होने से प्लैनेट को स्ट्रेंथ कुछ मिल जाती है। तो फिर अस्त होने के बावजूद भी मैं कहूंगा थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि नवांश चार्ट में वो वर्गोत्तम हो गया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और जो देखें अगर हम मून, जैसे मैंने कहा कि ठीक है जुपिटर और मरकरी के एस्पेक्ट तो है ही है, बट सारे मैलिफिक प्लैनेट का भी एस्पेक्ट है। ऐसे ही सन है जो हमारी आत्मा है, सन भी जुपिटर मरकरी के साथ है, लेकिन उसके साथ सैटर्न और केतु भी हैं, तो सन का भी थोड़ा एफ्लिक्शन होता है। और भी अगर देखें तो ये जो 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, मंगल जो है 10th हाउस का लॉर्ड वो 5th हाउस में है, और 5th हाउस में होने से ये 5th हाउस जो है वो 10th हाउस से 8th हाउस होता है। तो दिस इज द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑप्शंस इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो हम कहेंगे कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इज अ वेरी गुड पोजिशन ऑफ मार्क्स, ऐसे लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी पोजिशन मिलती है। दूसरा जो आप भी चिंतित हैं, या जो आप कह रहे हैं कि ये कितने प्लानिट थे 3 हाउसेस में, 5 तो ये हैं चंडीगढ़ में, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ, 8 प्लानिट जो है वो
हाउसेस में, जो हम लोग नेगेटिव हाउसेस कहते हैं, उसमें प्लेस्ड है। सिर्फ एक मंगल ही है जो त्रिक हाउस में नहीं है। आठ प्लैनेट बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड, या मैं कहूंगा अच्छा, मतलब एक स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा और स्कोप है कि आठ प्लैनेट जो है वो त्रिक हाउस में होते हैं। और जब इतने ज्यादा प्लैनेट जब त्रिक हाउस में होते हैं, तो थोड़ा सा एक हमारी लाइफ में स्ट्रगल की लाइफ रहती है। पूरी जिंदगी में हम कोई भी पोजिशन अचीव कर लें, कुछ भी हम कर लें, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, लाइफ में हमें बहुत मुसीबतों से जूझना भी पड़ता है। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि ये लग्न का लॉर्ड मून है और इसका लॉर्ड, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो ये दोनों आमने सामने हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो लग्न और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन है जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाता है। क्योंकि जब भी एक त्रिकोण का दूसरे त्रिकोण के साथ एसोसिएशन होता है, तो बहुत पावरफुल जो है राजयोग बनता है। और यहाँ दो प्लैनेट हैं, जैसे आप देख रहे हैं मरकरी बुध है, ये 12th हाउस को देख रहा है, जो उसकी अपनी राशि है, अपनी राशि है। जब कोई प्लैनेट अपनी राशि को देखता है, तो उस हाउस से संबंधित राजयोग बनाता है। तो मरकरी जो है वो अपनी राशि को देख भी रहा है, जिसकी वजह से जो है हम कहेंगे कि, और दूसरा शनि भी अपनी राशि को देख रहा है यहाँ पर। शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो 8th हाउस के ऊपर है, जो उसकी अपनी राशि है। तो ये दो हाउसेस से संबंधित राजयोग बनता है, एक 12th हाउस है, एक 8th हाउस है। एक हम लोग ज्योतिष में विपरीत राजयोग के नाम से भी जानते हैं, एक योग होता है। जब किसी भी दो त्रिक हाउस के लॉर्ड की युति होती है, कंजंक्शन होता है, तो विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग में भी जो हमें पोजीशन मिलती है, वो तो किसी के डेथ या डाउनफॉल से हमें, वी गेट ए वेरी स्ट्रांग पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जुपिटर तो 6th हाउस का लॉर्ड है और शनि जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड है, और मरकरी जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है। तो तीनों जो हमारे त्रिक हाउस हैं, उन तीनों की युति जो है यहाँ बन रही है। आप देखिए, इट्स अ वेरी पावरफुल राजयोग, इट्स अ वेरी पावरफुल राजयोग। और इसकी वजह से ये भी है कि जब तीनों त्रिक हाउसेस के लॉर्ड इकट्ठा हुए, जो हम ये समझ रहे हैं कि ये तीनों मतलब त्रिक हाउसेस में बहुत सारे प्लैनेट हैं, उसका जो एक एक तरह का हम कहेंगे कि नलिफिकेशन का जो तरीका है, कि तीनों त्रिक हाउस के लॉर्ड की आपस में युति है। और विपरीत राजयोग का अर्थ भी ये होता है कि जब दो त्रिक हाउस के लॉर्ड मिलते हैं, तो एक दूसरे के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशन है उनको खत्म करते हैं। और यहाँ तो तीनों त्रिक हाउस के लॉर्ड इकट्ठा हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्लैनेट बीइंग इन द थ्री हाउसेस, बट उनके जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस है वो खत्म हो रहे हैं, एंड इन दिस प्रोसेस द नेटिव गेट्स द बेनिफिट एक्चुअली। तो उतना खराब हॉरोस्कोप नहीं रहता फिर जो है। और दूसरा जो छठा घर है, हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि शायद ये बहुत खराब घर है और थ्री हाउस है, बट छठे घर की पोजीशन जो है बहुत एक विचित्र पोजीशन है हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है, वो भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि छठा घर जो है ये 10th हाउस से तो 9th हाउस है, और 9th हाउस से 10th हाउस है, दिस इज 9th फ्रॉम द 10th हाउस एंड 10th फ्रॉम द 9th हाउस। क्या मतलब हुआ कि 9th फ्रॉम द 10th हाउस प्रोफेशन का भाग्य है। पहली चीज, प्रोफेशन के लिए हमारा छठा भाव जो है भाग्य स्थान हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा लक है या भाग्य है प्रोफेशन में, वो 6th हाउस के ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि अगर 6th हाउस ठीक है तो हम प्रोफेशनल में बहुत अच्छा कर पाते हैं, और अगर 6th हाउस खराब है तो नेचुरली, जैसे हमारा 9th हाउस हमारे लिए खराब है तो हमारा भाग्य खराब होता है, तो यहाँ प्रोफेशन का भाग्य। और दूसरा, 9th हाउस से 10th हाउस का मतलब कि भाग्य में कर्म, भाग में कर्म का मतलब होता है कि वॉट एवर यू डू, वॉट इज द आउटपुट, या आपकी जो एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है। और
मैं कहूंगा कि जो सिक्स हाउस है आपके आउटपुट और इनपुट का रेशियो भी है। बहुत से लोग आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इनके हाथ में मिट्टी भी दे दो सोने में परिवर्तित कर देते हैं, और बहुत से लोग सोने को मिट्टी बना देते हैं। वो सब छठे भाव की मदद से होता है। जिनका छठा भाव अच्छा होता है वो लोग बहुत प्रोफिशिएंट हैं, बहुत एफिशिएंट हैं, वो कुछ कुछ भी करेंगे उसको पॉजिटिव करेंगे और अच्छा करेंगे। और जिनका छठा भाव अगर एफ्लिक्टेड होता है तो वो बर्बादी करते हैं, मतलब उनके हाथ में आप कुछ भी दे दीजिए वो उसको बर्बादी करेंगे जो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी छठा भाव हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि जो हॉरोस्कोप है ये इसे 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 रियली ये मतलब केस फॉर स्टडी, क्योंकि इतने नेगेटिव पॉइंट भी हैं और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। और इवन हम लोगों ने जब ये D10 चार्ट देखा, D10 चार्ट से हम प्रोफेशन देखते हैं, तो प्रोफेशन के चार्ट में अगर आप देखें तो लग्न वेरी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा जो सन की पोजीशन हम देखते हैं कि विच गिव्स यू वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशनल लाइफ, तो सन भी वेल प्लेस्ड है। तो इसका जो D10 चार्ट है या जो प्रोफेशन का चार्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इवन जो नवांश चार्ट है वो भी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है जो हमें प्रोफेशन में भी और मैरिड लाइफ दोनों में, मैरिड लाइफ में तो नवांश चार्ट सपोर्ट कर रहा है और प्रोफेशन में हमारा जो दशमांश चार्ट है वो सपोर्ट कर रहा है। तो लग्न पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ होते हुए भी हमारे जो डिविजनल चार्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है इस हॉरोस्कोप में। और एक और भी एक नेगेटिव पॉइंट है मैं बताना चाह रहा था कि राहु 12th हाउस में है और केतु 6th हाउस में है। राहु केतु की जो बेस्ट पोजीशन होती है कि अगर राहु 6th हाउस में हो और केतु 12th हाउस में हो। राहु जब 6th हाउस में होता है तो 6th हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं, हमारे जो भी अपोनेंट हैं, दुश्मन हैं, या डिसीज है, या डेट है, या लिटिगेशन है, वो सब खत्म हो जाते हैं। और 12th हाउस हमारा मोक्ष का भाव हो, और केतु एक मोक्ष का प्लैनेट भी है तो हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत देता है और हमारे दुश्मनों का सफाया करता है। बट यहाँ उल्टा है, यहाँ राहु 12th हाउस में है और केतु 6th हाउस में है। तो कहते हैं कि जब राहु 12th हाउस में हो, केतु 6th हाउस में हो, नॉट सपोज टू बी गुड फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, पहली चीज। और दूसरा, ऐसे लोगों के अगेंस्ट ना एलिगेशन या गलत मतलब बोलते हैं इनके बारे में, गलत आरोप लगते हैं एक तरह से जो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। बट अल्टीमेटली अगर हम देखें तो मैं यही कहूंगा कि 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मंगल है, मंगल अपनी राशि में है, योग कारक प्लैनेट है। तो जहां तक एजुकेशन का सवाल है और प्रोफेशनल स्टेटस का सवाल है, दिस चाइल्ड विल डू वेरी वेल एक्चुअली, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करेगा। और जो प्रोफेशनल स्टेटस मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। और दूसरा यह है कि जैसे मैंने कहा कि सारे प्लैनेट 3rd हाउस में हैं, मून राहु इकट्ठा है, केम द्रुम योग है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, या कुछ ना कुछ समस्याएं जो है वो बनी रहेंगी जिससे जूझना पड़ेगा। उसकी वजह से बच्चे मतलब व्यक्ति में बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन बढ़ता है, मेंटल टेंशन से कभी राहत नहीं मिलती जो है। तो और शादी का भी अगर हम देखें, जो उन्होंने कहा कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये जो 7th हाउस है बेसिकली हमारा शादी का भाव है, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें भी देख रहे हैं आप तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है, वीनस इधर है और मरकरी और जुपिटर इधर है, पर तीनों मैलिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है, सन, सैटर्न और केतु एक्चुअली में। तो ये भी इसी की भी वही पोजिशन है कि तीनों बेनिफिक हैं, तीनों मैलिफिक भी हैं। तो और दूसरा यह है कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में चला गया, अपने से 12th हाउस में चला गया, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और जुपिटर भी एफ्लिक्टेड है विद द सन, सैटर्न एंड केतु, तो वो प्रॉब्लम इंडिकेट करता है कि जनरल लाइफ में जैसा मैंने कहा ना कि कभी राहत नहीं मिलेगी टेंशन से, या कुछ ना कुछ कोई ना कोई समस्या आपको घेरे रहती है जिसकी वजह से आप मेंटली तो आप डिस्टर्ब रहते हैं। बट पढ़ाई का सवाल है, स्टेटस का सवाल है, और लाइफ में सब कुछ मिलेगा
भी, और खास तौर से अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे मैंने कहा गैस केसरी युग तो है ही है, और साथ में जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस को देगा, इस हाउस को। और जुपिटर कारक है, धन धन भाव है हमारा जो, तो जुपिटर इसका कारक भी है। इट मीन्स जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी बच्चे की या व्यक्ति की, वो बहुत अच्छी होगी, फाइनेंशियली कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही कहूंगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि पॉजिटिव तो ठीक है, या तो पढ़ाई है या स्टेटस है, बट जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका अगर हम शुरू से समाधान करें, तो नेचुरली हम इनको भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, काफी हद तक हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट सबसे पहले, जैसे मैंने कहा मून जो है वो केमद्रुम योग में है, इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है इस हॉरोस्कोप का यही है कि मून राहु की युति है, और मून जो है केमद्रुम योग है, मतलब जो बहुत एक नेगेटिव योग होता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष में जो है। तो सबसे पहले तो मून का उपाय करना पड़ेगा, मून का जो है उपाय करना पड़ेगा। और मून का उपाय जो है यही है कि अगर हम मंडे के दिन कोई भी अगर सफेद चीज का दान करें, या शिव जी की पूजा करें, या खास तौर से अगर महिलाओं को, फीमेल्स को अगर चावल का दान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, या बच्चे के हाथ से अगर हम कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा सन भी यहाँ देखा मैंने अफ्लिक्टेड है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है सिक्स्थ हाउस में, तो सन अफ्लिक्टेड है विद सैटर्न एंड केतु आल्सो। तो सन का भी उपाय, सन मतलब बच्चे को अगर हम गायत्री मंत्र सिखा दें अगर शुरू से, और वो आदत बना ले गायत्री मंत्र पढ़ने की अपना, खास तौर से सोने से पहले और जागने के बाद जो है, वो भी बहुत काम करेगा। क्योंकि कहते हैं गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र होता है, तो अगर अभी से बच्चा करेगा तो हम कहेंगे कि सन भी जो है वो काफी ठीक हो जाएगा। और क्योंकि मंगल यहाँ पर योग कारक प्लानेट है, मंगल यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लानेट है इस हॉरोस्कोप, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा कोरल, जिसको मूंगा बोलते हैं, उसका एक लॉकेट बनवा कर बच्चे को हम पहना सकते हैं किसी भी धागे में जो है, गले में जो है, तो वो उसकी रक्षा करेगा। या कोई भी जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम है, जैसे उनका टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उससे उसको सेफ गार्ड करेगा, और बच्चे में एनर्जी भी देगा, हेल्थ भी उसकी अच्छी रखेगा। और टॉन्सिल की प्रॉब्लम इसीलिए है कि जो हमारा ये वाला थर्ड हाउस है, तो ये अफ्लिक्टेड भी है, इसका लॉर्ड मर्करी है, और मर्करी भी आप देख रहे हैं कि तीन वाले फिक्स है, अफ्लिक्टेड है, सन है, सैटर्न है, केतु है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम मंगल का या कोरल का लॉकेट अगर हम पहनेंगे तो आप देखेंगे कि वो काफी मतलब हेल्पफुल होगा, हेल्थ को ठीक रखने के लिए। और बाद में जब बड़े होने के बाद इन्होंने कहा कि मैरिज के लिए कोई हम भी उपाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैरिज पे जैसे मैंने कहा कि हमारा सेवेंथ हाउस है, और इसका लॉर्ड जो है वो शनि है, शनि बहुत ज्यादा या डीप कम्बस्ट है, तो एक तरह से मैलिफिक हो जाता है, फंक्शनल मैलिफिक। और ऐसे जुपिटर है यहाँ पर जो मैरिज का कारक माना जाता है फीमेल के केस में जो है, तो जुपिटर भी एफ्लिक्टेड है विद द थ्री मैलिफिक, सन, सैटर्न और केतु, तो जुपिटर भी मैलिफिक हो जाता है। तो बड़े होने के बाद या मैरिज के पॉइंट से अगर हम जुपिटर और सैटर्न का उपाय करेंगे बाद में जो, अभी नहीं लेकिन बाद में जो है अगर हम उपाय करेंगे, तो वो हमारी मैरिड लाइफ को ठीक करने में सहायक होगा। तो ये पोजीशन है इस हॉरोस्कोप में, इट्स इंटरेस्टिंग एंड रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत है और नेगेटिव पॉइंट भी बहुत है, तो कुछ कुछ बैलेंस भी हो रहा है, बट समहाउ मैलिफिक और बेनिफिक दोनों का ही एसोसिएशन है, जितनी अच्छाइयां हैं उतनी बुराइयां भी हैं, मतलब एक तरह से। तो अभी से अगर हम ये उपाय करेंगे तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगा काफी हद तक। जी क्वेश्चन पूछेंगे सुना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि 8th हाउस बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं है इसका, लेकिन अब मार्स भी देख रहा है उसको, राहु भी देख रहा है और सैटर्न भी देख रहा है। एट हाउस को अगर हम देखें, तो मैंने कहा ना कि मैरिज के लिए है वो,
क्योंकि एट्थ हाउस बेसिकली हमारा मंगल स्थान है, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड है। और वैसे भी जैसे मैंने कहा ना कि इसका लॉर्ड भी अपने से 12th हाउस में चला गया, कम्बस्ट हो गया। मैरिज का कारक है जुपिटर, वो भी अफ्लिक्टेड है, तो मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगी, मैंने ये नहीं कहा नहीं आएंगी। तो उसका जो उपाय करेंगे आप शुरू से जो है, तो नेचुरली हम ये इसके लॉर्ड का भी करेंगे। और जुपिटर तो हमारा कारक है मैरिज का, तब से जो प्रोटेक्ट करता है, तो जुपिटर का भी उपाय करेंगे, फिर उसको सेव कर सकते हैं। बट 8th हाउस को आप देख रहे हैं कि जो वीनस है वहां पर, उसको राहु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, मार्स सैटर्न राहु तीनों प्लैनेट देख रहे हैं। और 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड है, ऐसे नहीं कि 8th हाउस ही अफ्लिक्टेड है, 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड है, क्योंकि इसका लॉर्ड भी अपने से 12th में चला गया, और जो कारक है जुपिटर वो भी अफ्लिक्टेड है, बैडली अफ्लिक्टेड। थैंक यू वेरी मच जैन साहब, आयुष ओराय जी, मेरी शादी एक शादी होगी जिज्ञासा है। आयुष जी आप पूछना चाहते हैं कुछ? पूछिए। तो जैन साहब, शादी में डाइवोर्स दिखा रहा है, इसके लिए अभी से भी उपाय किया जा सकता है क्या? नहीं मैंने क्या कहा कि हाँ वही तो, उसी के लिए तो बताया मैंने कि ये शनि और जुपिटर का अगर उपाय करेंगे, उसी के लिए कहा मैंने कि शादी के जब बड़े होने के बाद शादी को ठीक रखने के लिए शनि और जुपिटर का उपाय करना पड़ेगा, शनि और जुपिटर का। और जैन सर, आपने बताया कि सन के लिए मंत्र कौन सा बताया आपने सर? गायत्री गायत्री मंत्र पढ़िए, बच्चा गायत्री मंत्र सभी पढ़ते हैं आजकल, सर, तो गायत्री मंत्र गायत्री, सभी प्लैनेट को नहीं ठीक करता क्या? खाली सन के लिए है क्या ये? हाँ गायत्री मंत्र मतलब बेसिकली सन के लिए भी इसको बहुत अच्छा मंत्र मानते हैं, बट इसमें भी किसी भगवान का नाम नहीं है, ना ही किसी प्लैनेट का नाम है। तो जनरल हमारे लिए एक एनर्जी देता है, और सन भी एक हमारा एक लाइफ गिविंग प्लानिट है, तो गायत्री मंत्र से भी वही पर्पस सॉल्व होता है, तो इसलिए हम सन का भी एक अच्छा उपाय मानते हैं इसको, सन अपने आप ठीक हो जाता ओके सर, है। प्रोफेसर जैन साहब, मेरे दो शंकाएं हैं। तो मेरी राय यह है कि जब इतने समय से आपको जनपति दिखा दी गई है, मुझे लगता है कि बच्ची की शादी समय से फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में कर दी जाए, क्योंकि बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। और दूसरा यह है कि ये टॉन्सिल्स की समस्या खत्म होगी कि नहीं होगी? नहीं हो जाएगी खत्म, मैंने कहा ना कि ये जो तीन त्रिक हाउसेज हैं उनका कॉम्बिनेशन भी है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव सिग्निफिकेशन तीनों के डैमेज होते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ये जो विपरीत राजयोग बन रहा है कि तीनों जो त्रिक हाउसेज हैं उनके तीनों के लॉर्ड की जुटे हैं यहाँ पर, इट्स वेरी पावरफुल योग एक्चुअली। तो हेल्थ की प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्थ प्रोलॉन्ग करेगी या टॉन्सिल प्रोलॉन्ग करेंगे, वो ठीक हो जाएगा वो। और दूसरा यह है कि आप ये देखिए ना कि दशा राहु की चल रही है, और राहु में भी शनि का पीरियड चल रहा है, विच इज सपोज टू बी द वर्स्ट पीरियड इन एनीबडीज लाइफ। वो तो बच्चा है तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे पीरियड, हमारी लाइफ में भी ये पीरियड आएगा तो हम उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो ये सबसे खराब पीरियड चल रहा है। जो भी प्रॉब्लम है वो इस पीरियड में ही होगी, शनि राहु और शनि के पीरियड में, जो 2 अक्टूबर 25 तक है, उसके बाद काफी हद तक ठीक हो जाएगा अपने। नहीं, प्रोफेसर प्रोफेसर जैन साहब, मेरा ये कहना है ये है कि ऐसा मुझे लगता है जैसा आपने बताया कि बच्चे का भविष्य उज्जवल है, एक पर्टिकुलर लाइन में बिल्कुल शी विल एक्सेल, और मेडिकली शी हैज नॉट मेनी प्रॉब्लम्स, दे विल बी रिजॉल्व, राइट, ओनली प्रॉब्लम करेक्ट, इज रिगार्डिंग हर मैरिज। तो अभी से बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो ना तो मुझे लगता है कि डाइवोर्स होगा, और आपने जो निदान बताए हैं उससे अच्छे फल मिलेंगे। आपका क्या विचार है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी से उपाय करेंगे या शादी से काफी पहले से उपाय करना शुरू कर देंगे तो भी डाइवोर्स क्यों होगा, उसी को तो बचाने के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, राइट सर, राइट सर, फिर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, उपाय उसी के लिए किए जा रहे हैं। राइट सर। राइस ओराय जी, आज के सत्र का समापन करिए, कुछ एक्सपर्ट कमेंट बोलिए और जैन साहब को सात बार कहिए। जैन सर, एक चीज और पूछना था, ये मेडिकल के लिए बीच के चार जो केंद्र स्थान में एक भी प्लैनेट, उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या?
नहीं कुछ क्लियर नहीं है, आप दोबारा बोलिए। हाँ इसके केंद्र में एक भी प्लैनेट नहीं है, तो उसके ऊपर हेल्थ का कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, हेल्थ का इफेक्ट नहीं पड़ता, बट लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। लाइफ में हर समय आपको कहीं ना किसी समस्या से जूझना पड़ता है। ठीक ओके थैंक यू जैन साहब। और ये केंद्र में क्या कहीं भी नहीं है, सारे ट्रिक हाउस में ही है, सिर्फ मंगल ही है जो बाहर है, सारे प्लैनेट ट्रिक बहुत हाउस में। बट ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ना 6, 8, 12 का, अच्छा इसने इसने प्रोटेक्ट कर लिया सब कुछ। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना, फिर इट वॉज रियली बैड हॉरोस्कोप। तीनों की युति है, तीनों की युति तो बहुत मुश्किल से मिलती है। उसका सब लग्नाधिपति योग भी आ गया इसमें, उससे भी काफी एडवांटेज मिलता है। हाँ, लग्नादि योग भी बन गया और तीनों त्रिक हाउस के लॉर्ड का आपस में कंजंक्शन हो गया। तो नॉर्मली मिलता नहीं है कि तीनों त्रिक हाउस के लॉर्ड इकट्ठा हो, वो भी त्रिक हाउस में। ये भी अच्छी बात है कि अगर और किसी जैसे हाउस में होते तो उसको डैमेज करते, वो त्रिक हाउस में है। सब शुरू में देख के एट फर्स्ट नजर में देख के लगता है कि बहुत गड़बड़ है, पर अब जब आपने एनालाइज किया तो लगता है नहीं, या उतना गड़बड़ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप किसी को भी दिखाएंगे तो सब नेगेटिव ही बोलेंगे पूरा का पूरा, बिकॉज दे विल यहाँ नॉट पर कंसिडर द पॉजिटिव एस्पेक्ट। इन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे उसको जो है। तो कोई भी देखेगा, आप कोई भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर दिखेगा, वो तो सब नेगेटिव नेगेटिव बोलेगा इसके बारे में। लेकिन ये जो तीनों का कंजंक्शन हुआ, इट बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। और दूसरी चीज, लग्न स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर पाते हैं, उन्हें ये अच्छी बात है। थैंक यू जैन वेरी साहब मच बहुत अच्छा। प्रोफेसर।